कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। ये पीहू के स्कूल का है और इसको स्कूल में पहुंचा दिए हैं और टाई जो है निकल गई थी, तो जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने बोला अच्छा बाद में फिर पहना दूंगी क्योंकि थोड़ा सा ढीला हो गया और इसका। तो हम अभी टहल वहल के आ गए हैं और झाड़ू वगैरह देना है। और चलिए, ये जन्माष्टमी के दिन का वीडियो, मतलब कल का है, बुधवार का। हेलो एवरीवन, जन्माष्टमी की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। कल कुछ लोग कल मनाए, कुछ लोग आज मनाए हैं। बच्चों की छुट्टी थर्सडे को है, छुट्टियां कल थी, तो जिसको जैसे मन वैसे मना रहे, मतलब जिस तरह से अब पता चल रहा है कि चलो आज मनाना है कल मनाना है, उस हिसाब से मनाते हैं। मेरे पास कान्हा जी अभी है नहीं, तो मैं तो वैसा कुछ नहीं करूँगी, बस जनरल पूजा करूँगी। और मेरे ससुराल में कान्हा जी रखे हुए हैं, तो उनका दीदी जो है, मतलब जेठानी जो है, वो पूजा करते हैं। मैं भी देखती हूँ कान्हा जी को, जब आना होगा तब आएंगे ही, मैं भी सोच रही हूँ। और देखते कब तक आते हैं कान्हा जी। चलिए अभी के लिए राधे राधे, चले काम धाम कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये मैं सीधे शाम को मिल रही हूँ आपको। और कान्हा जी लाने का मतलब मन तो था, लेकिन कुछ वैसा प्लानिंग नहीं था हमारा कि कान्हा जी आज के दिन लाएंगे। लेकिन मार्केट में मैंने दो तीन जगह देख देख के छोड़ दिया, लाओ नहीं लाओ करके। लेकिन कान्हा जी को शायद आना था, तो कान्हा जी आ गए हैं और मैं ले आई हूँ कान्हा जी को, साथ साथ फिर सारा चीज़ ले आई। मतलब ये सब अचानक से ही मैंने सब कुछ लिया है, ख़रीदा है, और आज हैप्पी बर्थडे कान्हा जी का ऐसे तो है ही। और मेरे घर में भी कान्हा जी आज ही आए हैं, बस उनसे प्रार्थना है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे सबके साथ। और बस यही है, मुझे इतनी खुशी मिल रही है, आप पीहू को देख सकते हो, इतनी खुशी मैं क्या ही बताऊँ। और जैसे थोड़ा बहुत विधि विधान मैंने YouTube से देखा, वो मैंने किया है और एक फ़ोटो भी लगा लिया था। तो अभी तो इस बार तो कुछ प्लानिंग नहीं था कि कैसे क्या करना है, तो जैसे समझ में आया, जितना समझ में आया मैंने किया है। बाकी कान्हा जी माफ़ करें हम लोग को गलती सही के लिए, और क्योंकि पहली बार था तो बहुत चीज़ समझ में नहीं आता है हम लोग को। माखन वगैरह ख़रीद के ले आए थे, मतलब दोबारा बाज़ार गए थे, और इनकी ख़रीदारी करने में जो आनंद आता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। लगता है ये ले लूँ वो ले लूँ, जैसे बच्चों के बर्थडे पे हम लोग को लगता है ना कि ये बच्चों में अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, ये ख़रीद लूँ वो ख़रीद लूँ, बच्चों को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो बस ऐसे ही इनके साथ भी सच में ऐसा होता है, मैंने ये चीज़ फील किया है। और मैं रात में मैंने तो, क्योंकि बहुत रात हो गया था, करते करते सब कुछ समेटते सरियाते करते भगवान जी का, तो मैंने कुछ भी नया कपड़ा तो नहीं पहना, बस नहा धुल ले थी और बस ऐसे ही बाबू को भी साथ में ले ली थी। और जितना समझ में आ रहा था उतना मैं कर रही थी, भगवान जी को नहलाया धुलाया, वो सब का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत देर हो गया था और सब कुछ करना पड़ता है, खाना पीना फिर सब भगवान जी का सजाना। आप देख सकते हैं जैसे थोड़ा बहुत मैंने लेके आई हूँ क्रैप पेपर जो होता है वो सब, और बर्थडे में सजाते हैं वैसे सजा दिए। गुब्बारे वगैरह नहीं लगा पाई मैं, क्योंकि बोल रही मैं, मतलब अनप्लान्ड था ये, कुछ भी प्लानिंग नहीं था, कान्हा जी को ऐसे ही आना था। और मेरा ऑलमोस्ट ये सब काम ना ऐसे ही होता है, अचानक से कुछ भी हो जाता है, तो ये अचानक से ही कान्हा जी आ गए हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इनकी ख़रीदारी दोबारा भी, फिर मैं मार्केट गई इनके साथ, तो फिर और भी कान्हा जी का सब सामान लेके आई,
और मोर पंखी आज के दिन ज़रूर ख़रीदते हैं, तो वो भी ली। और आप देख सकते हैं मैं पूजा कर रही हूँ और ये बैठ के थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो हो गया किसी तरह से, रिकॉर्डिंग किसी तरह से हो गया, लेकिन अच्छा हुआ। मुझे बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर लगा पूजा करने में, बहुत अच्छा लगा। और पीहू तो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। और कान्हा जी इतने प्यारे से हैं कि क्या ही बताऊँ। मतलब नहीं ले रही थी कान्हा जी को, लेकिन एक दुकान में अकेले कान्हा जी ये बचे थे तो मैंने ले लिया। चलिए, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और हमारे घर में नन्हे मेहमान आ गए हैं, नए सदस्य आ गए हैं, इनकी सेवा सत्कार करना अब ज़रूरी है। तो जितना मुझसे संभव होगा, जितना मुझसे हो पाएगा, मैं ज़रूर करूँगी। और बहुत श्रद्धा भाव से मैं इन्हें लेके आई हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी लेने का। और मैंने मीशो पर भी देखा था ये सब लड्डू गोपाल और झूला। और ये जो झूला देख रहे हैं, ये बस ये टोकरी है जिसे मैं फूल रखती हूँ पूजा का, तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने इसी को थोड़ा सा झूला बना दिया, क्योंकि झूला झूलाना कान्हा जी को आज के दिन बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने और पीहू ने सब ने मिलकर झुलाया धीरे धीरे करके, और मैं पीहू को बोल रही हूँ गिरा नहीं देना करके ऐसा। तो देख सकते कोई तैयार नहीं है, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, सोने का समय हो रहा था, नींद भी आ रही थी। तो बस पूजा वूजा किए और फिर 12:30 तक हम लोग का पूजा हो गया था अच्छे से, बहुत अच्छे से पूजा हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। झूला झूले राधा प्यारी, संग में कृष्ण मुरारी, झूला झूले कि अच्छे से सब कोई रहे, अच्छे से बस सुख समृद्धि बनी रहे, स्वस्थ रहे सब कुछ। और चलिए अभी के लिए राधे राधे सबको, कान्हा जी को भी, आप लोग को भी नमन, आप लोग भी नमन कर लीजिए। और भगवान करे, कान्हा जी करे, आप लोग सब की मनोकामनाएं पूरी हो और आप लोग भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। अभी के लिए राधे राधे सबको, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे, श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ कान्हा तो मुरली की मधुर सुना कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी, तुझ पे कान्हा
बलि बलि जाऊं शाम सवेरे तेरे गुण गाऊं, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। राधे राधे।